हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, एस सी ओ पी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 अप्रोचेस सिक्स की क्लाइमेट चेंजेस टर्म्स यू शुड नो। तो ये सिक्स की क्लाइमेट चेंजेस टर्म्स क्या है हमें पता होने चाहिए ताकि हम उनके मीटिंग की बात को समझ पाए। तो चलिए देखते हैं। द टू वीक सी ओ पी 28 दिस ईयर एडिशन ऑफ द एनुअल क्लाइमेट चेंज समिट स्टार्ट इन दुबई फ्रॉम थर्सडे। Delegates from nearly 200 countries, business leaders, climate scientists, indigenous peoples, journalists, and various other experts and stakeholders will participate in the meeting. COP28 follows a year dotted with numerous extreme weather events. तो इस साल हमने देखा बहुत सारे extreme weather events हो रहे हैं आपके। Here are six key terms in the climate change. तो ऐसे climate change में six key terms हैं। डिस्कोर्स दैट विल सून डोमिनेट कन्वर्सेशन। तो ये सारे हमें पता होने चाहिए क्योंकि अगर उनकी बातों को समझना है, क्योंकि हर कन्वर्सेशन में ये चीज़ें यूज होंगी। सबसे पहले सी ओ पी क्या है, जो हम सी ओ पी बात कर रहे हैं, सी ओ पी है क्या। इट इज़ एन इंटरनेशनल क्लाइमेट मीटिंग ऑर्गेनाइज एनुअली बाय द यूनाइटेड नेशन। सी ओ पी इज अ शॉर्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन द रेफरेंस टू 197 कंट्रीज दैट हैव जॉइंड द इंटरनेशनल ट्रीटी कॉल्ड द यू एन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC. The framework convention came into force in 1994, 2 years after its text was finalized at the Earth Summit at Rio de Janeiro in Brazil. ठीक है, Earth Summit important हो गया हमारे लिए। The parties of UNFCCC have pledged to take voluntary action to prevent dangerous anthropogenic human caused, मतलब anthropogenic मतलब जो human के द्वारा की गई हरकतें हैं, इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम। तो मैन मेड अगर कोई इशू है तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग वॉलेंट्री एक्शन लेंगे, उसका हमने प्लेज लिया है। एवरी ईयर सिंस 1994 दे हैव मेट एट डिफरेंट वेन्यू एट द एंड ऑफ ईयर टू डिलिब्रेट ऑन डिफरेंट मेथड्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन एक चीज हो गया। एंड द अदर एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज द दुबई समिट विल बी अ 28th इन दैट सीरीज Hence named COP28. तो ये हमने देख लिया UNFCCC से, UNFCCC से आपका ये जनरेट होता है। अब देखिए, हर उसमें इतने दिनों से आर्टिकल पढ़ रहे हैं, पेरिस एग्रीमेंट तो हम पढ़ ही रहे हैं। क्या है पेरिस एग्रीमेंट? द एग्रीमेंट सॉ वर्चुअली एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, क्यों? सपोर्ट अ कॉमन स्ट्रेटेजी टू कट ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इसमें क्या था, कॉमन स्ट्रेटेजी था क्या करने के लिए, कट ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इट वॉज अडॉप्टेड बाई नियरली 200 कंट्रीज एट COP21 इन 2015 पेरिस में एंड केम इन टू फोर्स ऑन नवम्बर 4, 2016। द पेरिस एग्रीमेंट रिप्लेस्ड द क्योटो प्रोटोकॉल द इंटरनेशनल क्लाइमेट ट्रीटी दैट एक्सपायर्ड इन 2020 एंड इज करेंटली द मेन ट्रीटी ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो ये दो एग्रीमेंट यही है, इसने पेरिस ने क्योटो को रिप्लेस किया है। और इसमें क्या है, कॉमन स्ट्रेटेजी है ग्रीन हाउस गैस को एमिशन को कट डाउन करने की। ये 1.5 डिग्री लिमिट क्या है, 1.5 डिग्री, ये भी हम लोग हर आर्टिकल में पढ़ रहे हैं। अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, तो ये पेरिस एग्रीमेंट के अंडर की बात है, उसके अंदर की बात, अंडर नहीं अंदर। गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड हैव एग्रीड टू कीप एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस दिस सेंचुरी, मतलब 2099 तक। दिस सेंचुरी मतलब 2099 तक, कंपेयर विद द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। ठीक है, दे हैव ऑल्सो प्लेज टू परस्यू एफर्ट्स टू इनिशिएट राइज ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस एन इम्पोर्टेंट थ्रेस होल्ड क्रॉसिंग विच इज बिलीव टू अनलिश फार मोर सीवियर क्लाइमेट चेंजेस इम्पैक्ट इंक्लूडिंग मोर फ्रिक्वेंट सीवियर ड्राउट हीट वेव्स एंड रेनफॉल। मतलब सूखा पड़ जाएगा, बहुत हेवी रेनफॉल्स होंगे, हीट वेव्स काफ़ी होंगे, मतलब कोई भी कंडीशन होगा तो वो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे चलेगा। तो इसीलिए पहले तो 2 डिग्री हमने सोचा है कि इस सेंचुरी में हम लोग उसको 2 डिग्री के नीचे ही रखेंगे। दे ऑल्सो हैव प्लेस टू परस्यू एफर्ट्स टू लिमिट द राइज 1.5, 2 डिग्री तो रखना ही रखना है, पर 1.5 डिग्री के थ्रेशोल्ड को भी हमें रखना है, क्योंकि यहाँ से सारे एक्सट्रीम कंडीशंस स्टार्ट हो जाएंगे आपके। विद द करेंट क्लाइमेट पॉलिसी ऑफ कंट्रीज द वर्ल्ड इज सेट टू बिकम वार्मर बाई एट लीस्ट 3 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ सेंचुरी। पर जो अभी पॉलिसी चल रही है उससे वर्ल्ड जो है 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होगा अकॉर्डिंग टू द एमिशन गैप रिपोर्ट एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम
रिलीज लास्ट वीक। तो यूएनईपी ने ये बताया कि भाई तुम लोग ये भले बोल रहे हो कि हम लोग इस साल आईएएस बनेंगे आईएएस बनेंगे, पर जैसी तुम्हारी प्रिपरेशन चल रही है उस प्रिपरेशन से बताया जा रहा है तुम चपरासी भी नहीं बनोगे। तो यहाँ पे ये यूएनईपी ने ऐसा फैक्ट चेक दिया है। द रिपोर्ट ऑल्सो नोटेड दैट इवन इफ ऑल द क्लाइमेट एक्शंस एज पर द करंट प्रोमिसेस मेड बाई कंट्रीज वर एग्जीक्यूटेड विद द हाइएस्ट एम्बिशन, द ग्लोबल एमिशन इन 2030 वुड स्टिल बी एटलीस्ट 19 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, हायर देन द लेवल रिक्वायर्ड टू कीप ग्लोबल वार्मिंग विद इन 1.5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। तो इसमें ये साफ बोल दिया गया है कि अगर जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसा करो ना, तब भी आप 19 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट रहोगे 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। अब देखिए नेट जीरो, ये नेट जीरो एमिशन क्या है, ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ कार्बन न्यूट्रलिटी। नेट जीरो डजेंट मीन दैट कंट्री वुड रिड्यूस इट्स एमिशन टू कार्बन, रेदर इट इज अ स्टेट इन विच कंट्रीज एमिशंस आर इक्वल टू ग्रीन हाउस गैसेज बींग रिमूव फ्रॉम द एटमोसफियर। द रिमूवल कैन बी डन बाय क्रिएटिंग मोर कार्बन सिंक सच एज फॉरेस्ट और बाय इम्प्लीमेंटिंग फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी सच एज कार्बन डाइऑक्साइड रिम्यूवल CDR। इन 2018 द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज IPCC मार्क 2050 एज द डेडलाइन बाय विच द वर्ल्ड मस्ट रीच नेट जीरो इफ इट वॉन्ट्स टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखिए नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस NDCs क्या है। द पेरिस एग्रीमेंट जो हमने देखा था 2015 में हुआ था, किसको रिप्लेस किया, क्योटो को, जो आपका एक एक्सपायर हो गया 2020 में, रिक्वायर्स ईच कंट्री टू प्रिपेयर एन आउटलाइन फॉर देयर एफर्ट टू रिड्यूस नेशनल एमिशन एंड अडेप्ट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। दिस कमिटमेंट्स आर नोन एज NDCs, दे आर सबमिटेड एवरी 5 ईयर एंड सक्सेसिव NDCs आर सपोज टू बी मोर एम्बिशियस देन प्रीवियस वंस। इस साल हम सोच रहे थे IAS बनेंगे, उसके बाद हम सोच रहे थे टॉप 10 में आएंगे, फिर सोच रहे भाई रैंक 1 ही आएंगे, पर हम कर कुछ नहीं रहे। हर साल का एम्बिशन बढ़ते जा रहा है, एम्बिशन बढ़ाओ पर स्टेप्स मत लो, यही बात हो रही है यहाँ पे। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, आपको क्या अपना नेशन आपका नेशन क्या डिटरमाइन कर रहा है। लॉस एंड डैमेज क्या है, देर इज नो एग्री डेफिनेशन लॉस एंड डैमेज इन जस्ट अ सेकेंड नो एग्री डेफिनेशन लॉस एंड डैमेज इन इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशन अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। इन बेसिक टर्म्स इट रेफर टू अनअवॉइडेबल सोशल फाइनेंशियल इम्पैक्ट कॉज बाय एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो ये सोशल फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स होगा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के वजह से। लास्ट ईयर एट COP 27 डेवलपिंग कंट्रीज मैनेज टू गेट अ लॉस एंड डैमेज फंड स्टैब्लिश्ड, इट इज मेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू कंट्रीज स्टक बाय क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट डिजास्टर्स, इट इज हाउएवर एम्प्टी राइट नाउ। इस फंड्स में अभी स्टैब्लिश तो हो गया, नोटबुक खरीद के तो ले आए हैं, आंसर राइटिंग की नहीं है हमने। तो वही है कि फंड्स तो बना दिया है पर अभी तक उसमें पैसा डाला नहीं है। ड्यूरिंग द अपकमिंग COP Conference of Parties meeting agreement is expected to be reached on much more money will go into the fund. Economists have suggested that around $1 trillion every year is needed to support developing countries in the fight against climate change. अब ये तो आर्टिकल में हमने सब कुछ बहुत अच्छे से समझ लिया है, पर एक बार समरी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, बस समरी बेसिस पे शॉर्ट में कि क्या क्या चीज़ क्या होता है। COP ये पहला टर्म है आपका, ये आपका देखिए UNFCCC के उसमें अंडर में ये बना है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1994 में बना है, और ये 1994 में बना है, 1996 में अर्थ समिट में ये इस्टेब्लिश हो गया, कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में, कहाँ, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। 197 कंट्रीज इसमें है, और वॉलेंटरी एक्शन प्रिवेंट इतना 1994, इसका क्या था, आपको मेन क्या था, वॉलेंटरी एक्शन प्रोवाइड करेंगे हर सब लोग, मतलब अपने मन से करेंगे, क्यों, एंथ्रोपोजेनिक जो ह्यूमन कॉज्ड मैन मेड इश्यूज़ है क्लाइमेट चेंज को जो हार्म कर रहे हैं उसको रोकने के लिए, रिड्यूस करेंगे ग्रीन हाउस गैस एमिशन, इसमें ये हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट क्या है,
पेरिस एग्रीमेंट आपका कॉमन स्ट्रेटेजी कट आउट टू कट आउट ग्रीन हाउस गैसेस है, ये कब हुआ था? 2015 में। इसने रिप्लेस किसको किया? क्योटो को रिप्लेस किया, जो एक्सपायर कब हो गया? 2020 में। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट रिप्लेस क्योटो। ठीक है, अब इसका ट्रीटी फॉर कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल एक्शन, अब यही मेन है। 1.5 डिग्री लिमिट क्या है? 1.5 डिग्री लिमिट यह है कि टेम्परेचर को 2099 और 3000 से पहले हमें 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रोकना है, पर हम लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रोकना चाह रहे हैं क्योंकि इसके बाद एक्सट्रीम वेदर कंडीशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अभी जो यूएनईपी का एमिशन गैप रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमिशन गैप रिपोर्ट 3 स्टार लगाओ। ये यूएनईपी का है एमिशन गैप रिपोर्ट आपका, ये 3 डिग्री सेल्सियस बोल रहा है कि हम जैसे आउट चल रहा है हमारा काम, जैसा हम लोग कर रहे हैं, 3 डिग्री तक हम लोग इसको लेकर जाएंगे। और पेरिस एग्रीमेंट कितना था? 2 डिग्री। एक्सट्रीम कंडीशंस कब स्टार्ट होंगे? 1.5 डिग्री। तो आप खुद देखिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं। नेट जीरो क्या होता है? नेट जीरो ये नहीं होता कि हम बिल्कुल भी कार्बन नहीं निकालेंगे। नेट जीरो होता है जितने कार्बन निकालेंगे ना उतने ही कार्बन लेंगे भी। इसका मतलब हम कोई ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे एक्स अमाउंट ऑफ कार्बन सब वेदर में आपके एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं, उसी में हम साथ में ऐसा कोई, ये ए एक्टिविटी है तो ऐसा कोई बी एक्टिविटी भी करेंगे ना कि एक्स अमाउंट ऑफ कार्बन को हम लोग अंदर ले भी रहे सिंक में। जैसे सीडीआर, सीडीआर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल है आपका। अब 2018 में आईपीसीसी ने मार्क किया, 2050 का डेडलाइन जो है आपका उसको लिमिट करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो नेट जीरो आना जरूरी है 2050 तक। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, डेली का जो रूटीन बनाते हैं हम लोग कि सुबह 5 बजे उठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वैसे ही कंट्री बना रही है, हम ये भी करेंगे ये भी करेंगे, फॉसिल फ्यूल नहीं जलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे ताकि हमारे एमिशन कम हो। लॉस एंड डैमेज क्या है? जो आइलैंड्स नेशन है, डेवलपिंग नेशन है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जिनको ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है उनके लिए हम एक फंड बनाए हैं पिछली बार COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 में, और उसमें अभी तक 1 रुपया नहीं डाले, हो सकता है इस बार उसमें कुछ रुपया डलाए। तो इतना ही था, और COP 21 हुआ था वो ही है आपका पेरिस एग्रीमेंट, और क्योटो आपका 2020 में रिप्लेस हो गया है। तो इसमें बस इतना ही था जानने के लिए। अर्थ समिट आपका ब्राज़ील में हुआ था 1996 में, और 200 कंट्रीज है इस बार, दुबई में COP 28 होने वाला है। तो इतना ही था, थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स, थैंक यू।